और जैसे ये लग रहा है यहाँ से कि खुदाई के टाइम पे ये नई गुफा निकली है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये जैसे कि पत्थर, ये देखो पत्थर कांच का है, संगमरमर वैसे टाइप का, कांच टाइप का। यहाँ पे बताते हैं रात को भालू आता है, तो भालू आता है यहाँ पे इसलिए इसका नाम भालू पहाड़ पर भालू रहते हैं। तो गाइस कुछ बच्चे मिले हैं इनको, बहुत ही खुशी हुई हमसे मिलके। हमारे पास मैगी रखी हुई थी और रूपेश भाई से सबको दिलवा दिए। थैंक यू। अरे नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है भाई, सारे राइडर्स ऐसे होते हैं। तो गाइस रूपेश भाई पता क्या मैं कह रहा हूँ भाई, जल्दी से 4-5 किलो की मछली फंस जाए और मैं देख लूँ। रूपेश भाई कह रहे भाई जैसे हाथ में आएगी पकड़ के वापस फेंक दूंगा। मैंने तुरंत फेंक दिया पानी में दोबारा से, मैंने कि बहुत मारेंगे ये लोग, पता है तुम्हारे उसकी जगह तुम्हें ही खाएंगे। तो गाइस आइए, हाँ होटल सानो सांसर। तो गाइस ये है रूम, और यहाँ पे दो बेड पड़े हुए हैं। रुपेंद्र भाई ज्यादा चौड़े हैं तो रुपेंद्र भाई बड़ा वाला ले लेंगे, मैं छोटे वाले पे सो जाऊंगा। गरीब आदमी हूँ, छोटे पे सो जाऊंगा। तो गाइस हम लोग बैठे हुए हैं, एक रेस्टोरेंट है, रोड पे ही पड़ता था, भूख लगी थी भाई रोटी। यहाँ पे भाई रोटी आ चुकी है, 4 रोटी और 1 सब्जी, और इधर व्यू बड़ा तगड़ा है भाई। इधर से दिखा देता हूँ मैं, तगड़ा व्यू है यहाँ पे पीछे की तरफ, पहाड़ी की तरफ, और इधर की तरफ हमारे रूपेश भाई बैठे हुए हैं। भाई सच्ची में बताऊँ ना, 3-4 दिन से खाना नहीं खाया था ना, रोटी नहीं, रोटियों को तो भूल गए थे। बाकी की सब कैसी होती हैं, मोमोज खाए, समोसे खाए, चाउमीन खाई, सारी चीजें खाई हैं आज, रोटी देख के ना भाई। तो चलो खा के मिलते हैं, अभी निकलते हैं राइड पे। तो भाई यहाँ से हमारा खाना पीना हो चुका है, आगे पोखरा निकलेंगे हम लोग, पोखरा जाते हैं वहाँ पे देखते हैं स्टे करेंगे या फिर आगे निकलेंगे। और रूपेश भाई ने खाना खा लिया है, कै साल बाद रोटी खाई था, 5-6 साल में आज रोटी मिली है, आज रोटी मिली भाई, पेट भर गया, मजा आ गया भाई। भाई खाना खाया और यहाँ पे ये होटल का नाम नमस्ते टेस्टी टाउन खाजा घर। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं पोखरा में स्टे करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ पे करते हैं। तो चलो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो भाई अंदर का मैं आप लोगों को व्यू दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे देखो पत्थर पे ये कंच कंच हो रखा है, कांच वाला पत्थर है। और अंदर की तरफ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो काफ़ी अंदर तक गुफा है, काफ़ी अंदर तक लोग बाग जा चुके हैं और ये इधर की तरफ भी गई हुई है। अंदर की बनावट देख सकते हैं, अंदर की बनावट ऐसी है जैसे हम शिवखोड़ी गए थे, शिवखोड़ी वाला ब्लॉग देखना आप, वहाँ पे 56 करोड़ देवी देवता जो स्थापित हैं, वहाँ पे शिव जी जो गए थे अपने परिवार को लेकर, वहाँ पे उसी तरह बनावट है, यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर भी देख सकते भाई, कुदरत का करिश्मा है। भाई अंदर नहीं जाएंगे ज्यादा क्योंकि टाइम नहीं है काफी, और यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। और अभी नई है, यहाँ के लोग बाग भी देख रहे हैं ना, तो अभी नई नई गुफा है ये और नया नया मंदिर है। तो जय शिव शंभू, हर हर महादेव। नई जगह पे हमें दर्शन दिए भगवान ने, और नई नई जगह भाई घूमने के लिए मिली है। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी आएंगे तब यहाँ पे मिलते हैं, अभी तो फिलहाल मैं इतने ही यहाँ के लिए। तो भाई हम लोग रास्ते में से जा रहे थे, आगे निकल गए थे, अचानक से हमारी निगाह पड़ी इधर, दूर से ही दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी या किसी को भी, चुंडी वुंडी बंधी हुई है, तो भगवान के सीधे दर्शन हुए मैं कह रहा था। और जैसे ये लग रहा है यहाँ से कि खुदाई के टाइम पे ये नई गुफा निकली है भोले बाबा की। तो अभी अंदर की तरफ आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे अंदर कितनी लंबी सुरंग गई है, अंदर तक काफ़ी अंदर तक होगी, अभी कोई गया नहीं है अंदर तक, खुदाई चल रही थी इसलिए नई ये गुफा है। और अंदर की तरफ आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे ये जैसे कि पत्थर, ये देखो पत्थर कांच का है, संगमरमर वैसे टाइप का, कांच टाइप का। और ये जैसे कि ये देखो, ये सारा अपने अंदर का गुफा बनी हुई है ऑटोमेटिकली, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और अंदर की तरफ इधर मैं दिखाता हूँ, अंदर की तरफ काफी लंबी गुफा है और काफी जगह में है। तो भाई होप करता हूँ कि अंदर की तरफ बढ़िया मंदिर होगा, शिवलिंग वगैरह अगर तरीके से होगा। और इस साइड भी देखो, इधर भी गई है बदली सी गुफा,
और इस साइड अंदर की तरफ आराम से चलो। अगर चलना है नहीं नहीं बस ज़्यादा दूर है नहीं, यहीं से है अंदर। अंदर गए हैं काफ़ी लोग, एक दो लोग जा चुके होंगे, तभी तो ये लगाया है चुन्नी वगैरह। गढ़ में भगवान है, कड़कड़ में राम है, और मानो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। चलो आगे राइड करते हैं, आगे चलते हैं पोखरा की तरफ। तो गाइस वहाँ से एक से डेढ़ घंटे, एक घंटे करीब चलने के बाद और हम लोग आ चुके हैं। बाइक यहाँ पे पार्किंग कर दी और यहाँ पे मोबाइल शॉप पे डाटा केबल पूछी है, जो कि हमारी यूएसबी ख़राब हो रखी है, तो उन्होंने आगे की तरफ बताया कि आगे जाके वहाँ पे वर्कशॉप है, वहाँ पे हो जाएगा। मैंने बोला, पीछे भी मैंने पूछा था वर्कशॉप पे, मैंने बोला था तो वहाँ पे मना कर दिया था, बोले नहीं आगे एक बार ट्राई कर लो, उन पर मिल जाए शायद। तो चलो देखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ना कैमरा चार्ज हो पा रहा है और ना ही हमारा मोबाइल चार्ज हो रहे हैं, दोनों लोगों के लो पड़े हैं, इसमें थोड़ा बहुत ये चार्ज है। और गाइज हम लोग आ चुके हैं सेंग जैक है चौक पे, ये आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से इस साइड पोखरा के लिए जाएंगे। तो गाइज फाइनली हम लोग राइट से आगे की तरफ आ रहे थे, और आगे की तरफ भाई यहाँ पे एक पहाड़ मिला है जिसका भालू पहाड़ नाम है, देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है भालू पहाड़। और यहाँ पे व्यू पॉइंट है एक फ़ोटो के लिए, बहुत ही तगड़ा व्यू पॉइंट। टर्न देखो यहाँ पे कितना बड़ा टर्न है, यहाँ से जिग जैग में टर्न है ऊपर की तरफ, अभी चलेंगे और हमारे रूपेश भाई यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे और हम दोनों लोग जाएंगे भाई, और गाने हमारे सुनते रहिए, और नए गाने बना रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी तो कोई नहीं, रील्स बना के डालेंगे इनका गानों का, और नए नए गाने अभी निकालता रहूँगा। और गाइस यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है, ये टर्न बहुत ही तगड़ा है भाई, यहाँ पे थोड़ी बहुत देर रुकेंगे, 10 से 15 मिनट रुकेंगे, ऊपर की तरफ व्यू पॉइंट पे अच्छे वाले पे जाएंगे, और उसके बाद चलेंगे आगे राइड पे। पोखरा ज़्यादा दूर नहीं है, 25 किलोमीटर दूर बचा हुआ है, तो अभी एक डेढ़ घंटे में कवर कर लेंगे और शाम को वहीं स्टे करते हैं। तो गाइस यहाँ पे 10 रुपये फीस है एंट्री फीस पर पर्सन, और भाई क्या तगड़ा व्यू पॉइंट है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल का झंडा लगा हुआ फ्लैग, और ये भाई यहाँ पे वसूली कर रहे हैं, लीगल है इलीगल पता नहीं, फिर भी दे दिए हैं 10 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। रुपेंद्र भाई की बैटरी लो हो गई या फ़ोन की लो हो गई, मैं सोच रहा तुम्हारी। तो भाई जैसा अभी नीचे बताया था हमने, और ऊपर की तरफ आ गए, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, और सामने ऊपर से बहुत ही अच्छा दिख रहा है भालू पहाड़। यहाँ पे बताते हैं रात को भालू आता है, तो भालू आता है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम भालू पहाड़, ऊपर भालू रहते हैं। मैंने कि भाई मिलेंगे भालू यहाँ पे, बोले रात को स्टे करो तो मिल जाएंगे, रात को आएंगे जब, मैंने कि फिर तो रूपेश भाई को मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो खा जाएगा। गाइस बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ से, और इंस्टा 360 की रील डाल दूंगा, वो देख लेना आप, वहाँ से बड़ी तगड़ी रील बनाई है भाई, अच्छा शूट हो रहा है भाई साहब, लोकेशन व्यू पॉइंट अच्छा है। ये पोखरा से 25 किलोमीटर दूर है, पहले ही पड़ता है रास्ते में, तो आप लोग में से कोई भी अगर आता है तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो गाइस कुछ बच्चे मिले हैं इनको, बहुत ही खुशी हुई हमसे मिलके, और भाई हमें भी इनसे खुशी हुई मिलके, काफ़ी खुशी होती है। और हमारे रूपेश भाई तो बच्चों में घुल मिल जाते हैं भाई, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे जब ऐसे ऐसे। और ये भालू पहाड़ के व्यू पॉइंट पे आए हुए हैं सारे बच्चे यहाँ पे घूमने के लिए, पीछे दिख रहे होंगे आप लोग भालू पहाड़ ये। तो गाइस यहाँ पे बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट से इनकी कॉस्ट वगैरह पूछ रहे थे इंडियन एंड नेपाली रुपीज़ में, तो भाई जब इनकी कॉस्ट बताई तो एकदम शॉक्ड हो गए भाई, एक लाख रुपए नेपाली रुपीज़ में इतना महंगा पड़ेगा कैमरा, तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं हमसे मिलके। ज़रूर देखोगे ना लोग, सब्सक्राइब कर लेना, तो भाई वीडियो में आने के लिए बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल। हमारे रुपेश भाई कहाँ छुप रहे हो, बच्चों के साथ आ नहीं रहे हो तो भाई रुपेश भाई हमारे साथ हैं, और ये बच्चों के साथ देखो बीच में वीडियो करवा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था हमें, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और बच्चे बड़े सभी काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आई लव नेपाल, नेपाल की राइड हमारी ये फर्स्ट इंटरनेशनल राइड है, और अब नेक्स्ट टाइम फिर से आना पड़ेगा, कभी टाइम मिलता है तो नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देहरादून के अपेक्षा यहाँ से अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और टाइम तो सेम हमारे पास रहता ही उतना ही, वन वीक में मैं कवर कर लूँगा बाइक से, तो नेपाल राइड एक बार फिर से आएंगे, तो जब तक देखते हैं, जब तक अभी इस बार कहाँ कहाँ जाएंगे, जिस जगह पर हम इस बार मिसिंग करेंगे ना, तो नेक्स्ट राइड में हम उस जगह को कवर कर लेंगे,
इसीलिए हम लोग स्लो हैं, क्योंकि दो दिन में हमने सोचा था कि दो दिन में हम पोखरा पहुंच जाएंगे, बट आज 3 दिन हो चुके हैं, पोखरा नहीं पहुंच पाए हैं और काफ़ी जगह बीच में घूमने के लिए रुके थे तो इस वजह से नहीं पहुंचे हैं। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम में जब हम आएंगे तो कवर कर लेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, बच्चों से मिल लिए, बहुत देर तक बच्चों के साथ बात किया और यहाँ पे अब हम चलते हैं बच्चे। चलो बाय 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 सबको, हाँ सब्सक्राइब कर, तो चलो चलते हैं गाइस। बाइक नीचे खड़ी है वो देखो। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस इज मैगी। ओके बाय बाय। तो गाइस चलते हैं, अपना सामान उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और ये बच्चे देखो हमसे पहले नीचे की तरफ आ गए बाइक के पास, बाइक देखने के लिए एक्साइटेड हैं भाई। इन्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा, काफ़ी मिस करूंगा मैं इंडिया में जाके इन प्यारे प्यारे बच्चों को। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। दिस इज मैगी, खाओगे? इधर नहीं मिलता, एक एक दे दो सबको, दे दो निकालो निकालो। तो गाइस बच्चों को मैगी अच्छी लग रही है, इधर मैगी नहीं मिलती है तो एक एक पैकेट दे देते हैं सभी को और बच्चे खुश भी हो जाएंगे। हमारे पास वैसे भी रखी हुई है। कोई नहीं, मैं दे देता हूँ। यहाँ पे नहीं मिलता, हाँ बता रहे थे बॉर्डर पे नहीं मिलता यहाँ पे, तो भाई इन लोगों को दे देते हैं अभी, खुशी देखते हैं इन बच्चों की कितने खुश होते हैं। सबको दे दो, एक एक दे दो सबको। तो गाइज हमारे पास मैगी रखी हुई थी और रुपेश भाई से सबको दिलवा दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है भाई, सारे राइडर्स ऐसे होते हैं, सारे राइडर ऐसे ही होते हैं। काफी अच्छे आप तो, काफी मिस करूंगा मैं इंडिया में। कोई नहीं कोई नहीं, मिस यू टू। तो गाइस काफी टाइम हो गया, अब हम यहाँ पे निकलते हैं और भाई एक बाइक और आई है, ये कहाँ से है, बिहार से आए हुए हैं, कुछ पीछे की तरफ बाइक है और भालू पहाड़ के पास से हम लोग अब निकल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इंस्टा का थोड़ा सा इशू आ रहा है, चार्जिंग पोर्ट जो ख़राब हो गया ना इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहे हैं। तो गाइस हमें एक प्यार द यूपी सोलर राइडर, हमारा चैनल है द यूपी सोलर राइडर है, हमारा यूपी से आए हैं, यूपी दिल्ली NCR पड़ता है और भाई ये भाई मिले हैं हमें, उनके पास RR06 जो कि बिहार से हैं, वे भी ब्लॉगिंग करते हैं और भालू पहाड़ के पास हम लोग मिले हैं। कितना टाइम लगा आपको आने के लिए? परसों निकले, परसों निकले थे, अभी पहुँच गए। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू भाई थैंक यू। आपका नाम? विकास विकास चैनल, ये कर लेना आप कमेंट कर रहे थे, कमेंट के थ्रू हम लोग मिलेंगे ठीक है। तो गाइस चलते हैं अब, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और भाई इसको रख के इसमें की वगैरह निकालते हैं। और भाई चलते हैं अब, चल रहे हैं बच्चे भाई भाई अब चलते हैं भाई। फ्यूल भी लो हो रहा है क्योंकि अब आगे पोखरा में ही करवाएंगे, बैठो पोखरा में ही करवाएंगे फ्यूल अप। और इन लोगों को सभी लोगों को बोलते हैं भाई चलते हैं अब बच्चों, 50 बार बाय करोगे? थैंक यू भाई, यहाँ के बच्चे और यहाँ के सभी अच्छे हैं, कुछ भूले तो नहीं हो मालिक? हर बार मैं याद करता हूँ आईफोन प्लस कैमरा, जो भी इक्विपमेंट है सारे हम मिस कर लेते हैं भाई। तो भाई साहब यहाँ के रोड खतरनाक हैं, NH भी तगड़ी लगती है और यहाँ से अब निकलते हैं भाई। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, कोई नहीं, बट भाई भालू पहाड़ के पास ना व्यू पॉइंट इतना अच्छा बना रखा है, एक हैंगिंग ब्रिज भी यहाँ पे भी मिल रहा है, एक हैंगिंग ब्रिज है यहाँ पे। वो दिख रहा होगा आप लोगों को,
वीडियो में, वो छोटा है और वहाँ से व्यू पॉइंट एक और बना रखा है, बट वहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बड़ा व्यू पॉइंट था यहाँ पे भालू पहाड़ के पास, और वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट और रील्स वगैरह बना लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। भाई बहुत ही अच्छा लगा बच्चों से मिलके, बच्चे इतने क्रेजी थे भाई, क्रेजी टाइप के और एक्शन मोड टाइप के, बड़े बड़े राइडर को सभी फॉलो करते हैं। अभी हम छोटे राइडर हैं भैया, हमारी फ़ैन फॉलोइंग जब बढ़ेगी, जब हम सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और राइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा राइड करेंगे तब बढ़ेगी। और ऑफिस टाइम के बाद भाई टाइम ही नहीं मिलता इतना कि हम राइडिंग कर लें, व्लॉगिंग ही रह जाती है घर के वही आसपास की लोकेशन का। अब धीरे धीरे टाइम निकालना सीखेंगे, दो दिन तीन दिन का टाइम लेके इधर उधर घूमना। और भाई नेपाल तो मुझे फिर से आना पड़ेगा घूमने के लिए, क्योंकि एक बार में सारी जगह कवर नहीं हो पाई हैं, और इस बार जो कवर कर लेंगे। सैंजा से ये बच्चे थे, सैंजा से, और सैंजा जगह 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 का नाम है, और बच्चे सैंजा से बोल रहे थे नेक्स्ट टाइम जब कभी आएंगे तो इनके पास मिलते हुए चले जाएंगे। भाई अभी थोड़ा सा भालू के नाम पे सारा रेस्टोरेंट और व्यू पॉइंट सब कुछ बना रखे हैं यहाँ पे। ऊपर जंगल बड़ा सा है देख सकते हैं, और भालू आते होंगे, हो सकता है पहले कभी आते हों, जैसे हमारे यहाँ पे पहले कभी कुछ हुआ तो उसी नाम से बना लिया कि हाँ उसी नाम से कर ये जगह का नाम हो गया। अब आए या ना आए, अब कुछ हो या ना हो इसी तरह से, लेकिन जो भी हो हमें क्या करना है भाई, नाइट पे यहाँ पे नहीं रुकना है बस। डरते तो हम इतने हैं। तो दोस्तों सुबह से चल के शाम को आज हम पहुंच चुके हैं पोखरा में, और पोखरा में हमारा आज नेपाल का पहला फ्यूल अप हमारी गाड़ी में डलने वाला है। तो विकास भाई ने लगा दिया गाड़ी और यहाँ पे हो रहा है फ्यूल अप। तो गाइस आज हमारा नेपाल का फर्स्ट फ्यूल अप है नेपाल के अंदर, और यहाँ का जो रेट है आप देख सकते हो 167 रुपये पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे फ्यूल अप है, जो कि आप पेट्रोल देख रहे हो नेपाली करेंसी में। तो भाई अपने यहाँ पे ना, और यहाँ पे काफ़ी अंतर है, पर यहाँ पे और नेपाल में और हमारे इंडिया में भी पैसों में भी काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पे जो नेपाल करेंसी के हिसाब से आया है 1351 रुपये का हमारी गाड़ी में आया, जबकि हमारे यहाँ पे 700 रुपये में ये गाड़ी फुल हो रही थी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फिशिंग पास में है भाई, पानी देख सकते हैं स्टोर कर रखा है यहाँ पे, क्लीन है ऑल। भाई फिशिंग कर रहे हैं अभी मछली पकड़ेंगे, मैं तो वेट कर रहा हूँ कितनी देर में एक पकड़ते हैं और कितनी बड़ी फंसेगी। और भाई बाइक आगे की तरफ वहाँ पे लगी हुई है, और चलते हैं अभी आगे कैंपिंग करेंगे या फिर रूम लेंगे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। वही अभी इंडिया से हैं इधर, और यहाँ पे अभी आगे चलेंगे 2-3 किलोमीटर आगे की तरफ बड़ा लेक है, वहाँ पे रूम लेंगे और कैंपिंग करेंगे। देखते हैं दोनों में से क्या करेंगे, क्या चीज़ करते हैं, क्योंकि आज तो रूम का ही लग रहा है कैंपिंग का नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ़ोन और कैमरा की दोनों ही बैटरी इसकी 50% बची हुई है, और पावर बैंक सब कुछ लो हो गया भाई, इसका जो पोर्ट ख़राब होने की बाइक पोर्ट ख़राब होने के चक्कर में सब कुछ लो हो गया है भाई। और यहाँ पर मिल भी तो नहीं रहा है, बाज़ार में कई जगह ट्राई किया भाई नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर फिशिंग हो रही है, और ये भाई बता रहे हैं कि इसमें 4-5 किलो की फिश कोई ना कोई फंसी जाती है, और आगे बड़ा लेक है, आगे बड़े लेक में बड़ी बता रहे बड़ी मछली। और रुपेश भाई कह रहे हैं इसका फिर क्या करोगे, क्या हाँ सही कह रहा हूँ, किसी का पेट उठा के ले जाएंगे काट पीट के पेट में सीधी, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, मार कर अपना पेट भरना थोड़ी, क्यों गलत बात है। अभी तुम तमिल साइड नहीं गए हो ना, तमिल साइड जाओगे ना जब रोटी देखने के लिए नहीं मिलेगी तब पता पड़ेगा, पत्ती खा लूंगा। गलती तुम्हारी नहीं, तुम पंडित जी ठहरे भाई, ये लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अभी तमिल साइड में वहाँ पे चावल और मच्छी चावल ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाते, तो भाई क्या करें लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्या वहाँ पे पंडित जी नहीं है, क्या वहाँ पे मंदिर में पूजा नहीं होती है, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग ये खाना पीना होता है। किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, जिसको जो खाना है वो खाए और जिसको नहीं खाना है वो रुपये जैसा रह जाए।
हाँ, पत्ती खा के भी काम चला सकते हैं पहले ये तो अमृत पी के भी काम चला सकते हैं। वो जंगल में रहते थे साधु महाराज, शिकार करते थे, शेर खा जाते, शिकार नहीं करते थे वो, पत्तियां फूल घास की रोटी खाया करते थे आपको पता है। तो वो शेर चीता बाघ ये सब मारते थे क्या, क्यों मारते थे वो, क्यों राजा लोग शिकार नहीं करते थे जंगल में जाके, शिकार करते थे वो, शिकारियों का शिकार करते थे, शिकारियों का शिकार करते थे, शिकारी जानवर हो गए, वो अपने शौक के लिए शिकार करते थे समझे, बहादुरी बढ़ाने के लिए। तो देखो बहादुरी किसी शेर पे होती है, ये कोई शेर थोड़ी ना, ये तो निर्जीव जानवर है, निर्जीव है, इनमें जीव है, अभी फड़केंगे ये, नहीं जीव जानवर है यानी निर्दोष जानवर है, इनका कोई कसूर नहीं है। तो एक काम करो तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें बना के वहाँ फ्रिज में खा लेंगे ना, जब पता पड़ेगा नाइजीरिया चले जाओ, आप जैसा दूसरे जैसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जो जिसकी जैसी भावना वैसे ऐसे ही ना। तो गाइस रूपेश भाई पता क्या मैं कह रहा हूँ भाई, जल्दी से 4-5 किलो की मछली फंस जाए और मैं देख लूँ। रूपेश भाई कह रहे भाई जैसी हाथ में आएगी पकड़ के वापस फेंक दूंगा, मैंने तुरंत फेंक दिया पानी में दोबारा से, मैंने कहा बहुत मारेंगे ये लोग, पता है तुम्हारे उसकी जगह तुम्हें खाएंगे भाई, खींचिया लो बेचारा भग गया, रुपेश भाई की बातें सुन के बेचारा भाग गया, देख लो बंदा यहां से भाग गया, ये पकड़ में आ गई तो ये भाई फेंक देगा वापस। तो भाई ये खोल लिया गया है और इसका कट करके यहाँ से दूसरा नया कनेक्शन होगा और इसको हटा दिया जाएगा, इसको रहने दो अभी, इस वाले से और लाइट खोल लेते तो लाइट का भी फिट हो जाएगी वापस। और भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, रात हो गई, आप देख सकते हैं अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, और भाई यहाँ पे सही हो जाएगा तो हमें बहुत ही राहत मिलेगी, क्योंकि हमारे फ़ोन कैमरा कुछ भी चार्ज नहीं हो पा रहा है तो बहुत ही राहत मिलेगी भाई। गाइस अभी ये चेक कर रहे हैं बल्ब को भाई, देखते वायरिंग में है या फिर कनेक्शन करना पड़ेगा या फिर नए सिरे से होगा, देखते हैं भाई। ये करंट तो आ रहा है भाई, पोर्ट ख़राब हुआ है जो प्लग है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइट जलती थी वो पोर्ट ही ख़राब है, और भाई लेके आ गए हैं, पूरा माउंट ही मिला है, ये वाला मिला है माउंट, तो यानी केबल चाहिए थी बस, ये चार्जिंग पोर्ट वगैरह, ये पोर्ट वाला बस, क्योंकि माउंट तो लगा हुआ, क्या करूँगा माउंट लगेगा कहाँ, फिर मेरे कैमरे के लिए जगह नहीं बचेगी। तो गाइस अभी यहाँ पे ये वाला देखते हैं लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो सही है बल्ब चेक कर, बल्ब लगा के चेक कर लिया और आ गया है, देखो चेक कर। तो गाइस आइए, हाँ होटल सानो सनसर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे होटल पे अभी रूम देखेंगे, अभी यहाँ पे रूम देखने जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तो काफ़ी महंगा था एक देखा था, और अभी ऊपर देखते हैं फिर टर्न करते हैं। तो गाइस हमें जहाँ घूमने की जगह है यहाँ पे पोखरा में, वो अभी भाई बता रहे हैं सारंगकोट भाई, सारंगकोट ये मॉर्निंग के टाइम का व्यू है, सनराइज़ का व्यू। तो गाइस जैसे कि अभी रूम हमने देख लिया है भाई, ऊपर देख के आए थे, तो गाइस हमने रूम देख लिया है, ऊपर का रूम थोड़ा अजीब से लग रहा था, वो 200 रुपये कम था, बट यहाँ पे भाई फ्रंट पे जो है अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वो रूम देखा था, और ये भाई है, और ये भाई है, इन्होंने रूम यहाँ से रिसेप्शन से इस होटल में, होटल सानो सनसर प्राइवेट लिमिटेड। गाइस यहाँ पे पहले तो हमने अच्छी तरह से इनसे गाइड लिए कि हम इन जगहों में से कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, और सारी जगह ले लिया है स्टेप बाय स्टेप, कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और कहाँ कहाँ कितना कितना दूर पड़ेगा, तो उसके बाद यहाँ पे स्टे करने का फैसला लिया है। तो अभी भाई अब चलते हैं रूम की तरफ, आप लोगों को रूम की तरफ दिखाते हैं, और फिर उसके बाद भाई फटाफट चार्जिंग पे लगाना है, क्योंकि कुछ भी चार्ज नहीं है, कैमरा भी लो पड़ा है, दोनों बैटरी लो पड़ी है। और ये भाई है अभी रूम, ये रूम में करवाएंगे। तो गाइस ये है रूम, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम कहीं बाहर आए रेंट करने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अपने इंडिया में ही कर रहे हैं। तो गाइस ये है रूम, और यहाँ पे दो बेड पड़े हुए हैं, रुपेंद्र भाई ज़्यादा छोड़े हैं तो रुपेंद्र भाई बड़ा वाला ले लेंगे, मैं छोटे वाले पे सो जाऊँगा, गरीब आदमी हूँ छोटे पे सो जाऊँगा। और कल भाई काफ़ी सारी जगह जाना है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और सारे व्लॉग देखना, नेपाल में कौन कौन सी जगह घूमने के लिए, सारी जगह दिखाएंगे आप लोगों को, सब जगह बताएंगे।